नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश तिवारी और आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 280वां एपिसोड। आज है 6 मई 2021 और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर खबरों की बाढ़ आई हुई है। दोस्तों, आईपीएल पोस्टपोन जरूर हो चुका है लेकिन अभी भी कई सारे प्लेयर्स दिल्ली अहमदाबाद में मौजूद है, उनको लेकर अपडेट है। सितंबर में मिनी आईपीएल पर भी नई नई अपडेट्स आ गई है, सारी खबरें बताएंगे वीडियो में, इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है इन सारी खबरों को एक साथ आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें छोटी सी हेल्प कर सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन हैं तो यहाँ के नीचे से लाइक बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आज दिनभर की पहली बड़ी खबर के हवाले से, तो बीसीसीआई ने भी आईपीएल को कंटिन्यू करने की तैयारियां कर ली है। बीसीसीआई अल्टरनेट वेन्यू और अल्टरनेट समय की तलाश में है। इसका मतलब क्या है वो बता देता हूँ। बीसीसीआई इस समय यूके, यूएई जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया, और ऑस्ट्रेलिया, इन तीन देशों में आईपीएल के कहने मौकों की तलाश कर रहा है। साथ ही बीसीसीआई समय भी ढूंढ रहा है और ब्रजेश पटेल बोल चुके हैं कि सितंबर का ही समय आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली बीसीसीआई ने अपनी तरफ से हरकत देना शुरू कर दी है। तो हम ये बोल सकते हैं कि चांसेस आर हाई कि आईपीएल फिर से शुरू हो सकता है, कंटिन्यू हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। मेरे हिसाब से हर किसी को इस वीडियो को लाइक कर देना चाहिए इस खबर को सुनने के बाद, क्योंकि विराट कोहली ने जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ अपना कर्तव्य निभाना शुरू कर दिया है। विराट कोहली फाउंडेशन ने अपना कर्तव्य निभाया है और मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना पीड़ितों के लिए एक नए सिरे से काफी बड़ी मदद, पैसों की भी और वॉलेंटियरली भी विराट कोहली करने वाले हैं। विराट कोहली फाउंडेशन ये करेगा, जिसकी तस्वीरें आ चुकी है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से आफ्टर दिस आई थिंक कि भाई आपको इस वीडियो को लाइक करना चाहिए, सबको लाइक करना चाहिए, क्योंकि विराट ने अब बड़ा दिल दिखाया। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी खबर की बात करते हैं। भाई, जो माइक हसी थे, जो चेन्नई सुपर किंग्स के स्टाफ का हिस्सा थे, वो भी पॉजिटिव आ गए हैं। 2 कोरोना टेस्ट उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और उसके बाद बीसीसीआई ने हिंदुस्तान में ही माइक हसी को 10 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया है। मतलब 10 दिनों तक माइक हसी यहीं रहेंगे। बीसीसीआई ने उनके लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। सुविधाओं में वो लक्ष्मीपति बालाजी के साथ ही क्वारंटाइन हुए हैं, क्योंकि बालाजी को भी कोरोना हुआ है, तो उसके बाद वो 10 दिन बाद जाएंगे। हालांकि उनकी स्थिति स्टेबल है और उन्हें कोई भी सिम्टम अभी तक कोरोना के नहीं आए हैं, ना सर्दी है ना बुखार है, तो आई थिंक कि वो जल्दी सही हो जाए। और आप भी, मेरे हिसाब से सबको ही ब्लेस आउट करना चाहिए, उनकी कामना करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो ये जो रिपोर्ट आ रही है दोस्तों, ये चेन्नई के फैंस के लिए बहुत बड़ी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को बताने से पहले एक चीज दोस्तों जरूर बता दूं कि टेलीग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये जो सारी खबरें मैं बता रहा हूं उसमें से बहुत सारी जो अंदरूनी रिपोर्ट्स है वो मैं सबसे पहले टेलीग्राम पर दे देता हूँ। टेलीग्राम पर जाइए, द रियल एमसीपी को सर्च कीजिए दोस्तों, असली चैनल को ही फॉलो करना। कुछ फेक चैनल्स भी हैं जिनके खिलाफ हमने रिपोर्ट्स कर दी हैं, तो वो जल्दी हटे आएंगे, तो रियल चैनल को ही फॉलो कीजिएगा। आप चौथी बड़ी खबर की दोस्तों बात कर लेते हैं। महेंद्र सिंह धोनी अभी तक अपने घर नहीं पहुंचे। महेंद्र सिंह धोनी इस समय दिल्ली में ही मौजूद है और उन्होंने ये कह दिया है कि वो तब तक घर नहीं जाएंगे तब तक सारे चेन्नई के जो युवा खिलाड़ी हैं, दूसरे खिलाड़ी हैं, वो अपने अपने गंतव्य तक सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। तो वो दिल्ली में ही मौजूद है और वो अपने हर खिलाड़ी की जवाबदारी, जिम्मेदारी लेकर बैठे हुए हैं कि पहले पूरी टीम अपने अपने घर पहुंच जाए, बता दे कि भाई हम सब लोग घर पहुंच गए, और उसके बाद वो छोड़ेंगे। हालांकि चेन्नई के बहुत सारे प्लेयर्स घर लौट चुके हैं, तो सुरेश रैना भी लौट चुके हैं, तो धोनी के बारे में कहा जा रहा है आज शाम को या कल वो रवाना होंगे। अपनी पूरी टीम को विदा करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी जा रहा है। धोनी पर एक और बड़ी खबर है जो कि कल बताने वाले हैं, बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आने वाली थी पर ये कैंसिल ही हो गया, लेकिन कल इस पर एक बड़ी रिपोर्ट और आई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की पांचवी बड़ी खबर की। तो आईपीएल पर फिर से फिक्सिंग, सट्टेबाजी का साया इसी साल फिर देखने को मिल गया। दोस्तों, आईपीएल तो कैंसिल हो गया, पोस्टपोन हो गया, लेकिन अब जो रिपोर्ट्स आ रही है वो आईपीएल फैंस को हॉन्ट कर रही है, डरा रही है। वो इसलिए कर रही है दोस्तों क्योंकि बीसीसीआई एंटी करप्शन यूनिट ने 2 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में क्लीनर, जो कि साफ सफाई करते हैं, मैदान को साफ करते हैं, स्टेडियम को साफ करते हैं, क्लीनर बनकर आए थे और वो बुकीज थे, वो सट्टेबाज थे और उन्होंने प्लेयर्स से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी, मतलब स्पॉट फिक्सिंग करने की उन्होंने कोशिश की थी। हालांकि खिलाड़ी बहुत समझदार हो चुके हैं और खिलाड़ियों को जैसे कॉन्टेक्ट किया गया, खिलाड़ियों ने ये जानकारी बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट को दे दी और इन्हें पकड़ लिया गया है। दोस्तों, अच्छे से इनकी कुटाई होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इनकी तो अच्छी कुटाई होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिनभर की छठवीं बड़ी खबर की। तो रविंद्र जडेजा के हवाले से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है।
बहुत बड़ी इन द सेंस कि लोग कह रहे हैं यार ट्विटर पर कि रविंद्र जडेजा को पहले से ही पता लग गया था कि 4 मई के बाद आईपीएल नहीं होगा, और इसीलिए ये मीम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें जडेजा पूरी दुनिया को पूरे देश को बता रहे हैं कि 4 मई वो आखिरी तारीख होगी जब आईपीएल होगा और कुछ भी नजर आ रहे हैं। अब वो खुश है या नहीं वो तो नहीं मालूम, लेकिन ये मीम तो उसी की गवाही दे रहा है मेरे हिसाब से। लाइक कीजिए अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया हो तो। सातवीं बड़ी खबर की दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, सौरव गांगुली का बड़ा बयान आया है। सौरव गांगुली ने साफ कर दिया है कि कैसे इस वायरस की एंट्री आईपीएल में हुई। अभी तक सबसे बड़ा सवाल हम लोगों के सबके सामने यही है कि आखिर ये एंट्री कैसे, कोई बोल रहा वरुण चक्रवर्ती, कल मैंने बताया किस तरह से बस ड्राइवर के थ्रू भी आया, लेकिन गांगुली ने कह दिया है कि उन्हें नहीं पता कैसे आया पर ट्रेवलिंग लीड्स टू द बबल ब्रीच। बीसीसीआई ने जो पहला फर्स्ट पॉइंट निकाला है यहाँ पर बबल के टूटने का, कोरोना की एंट्री का, वो है ट्रेवलिंग। ये जो ट्रेवल हुआ था दोस्तों, पहले जो फर्स्ट फेज था आईपीएल का मुंबई और चेन्नई में चल रहा था, जब तक सब कुछ सही था, लेकिन ये जो ट्रेवल हुआ प्लेयर्स मुंबई से दिल्ली गए, चेन्नई से अहमदाबाद आए, उसी बीच कुछ ना कुछ ऐसा हो गया जिससे कोरोना फैला। प्लेयर्स फ्लाइट में चले थे तो फ्लाइट भी उसका कारण हो सकती है, प्लेयर्स दूसरे शहर में दूसरी बस के अंदर एंट्री लिए थे तो बस भी उसका कारण हो सकती है, लेकिन बीसीसीआई और ये बिल्कुल सही बात है कि ट्रेवलिंग के कारण ही ये टूटा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की आठवीं बड़ी खबर की। सितंबर में मिनी आईपीएल की बातें अब बहुत आम हो चुकी है, आपको पता लग गया होगा, बहुत सारे लोग इस पर बात भी कर रहे हैं कि सितंबर में छोटा आईपीएल संभवतः हो सकता है, लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आ गई है दोस्तों। सितंबर में 9 विदेशी प्लेयर्स आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे, अगर सितंबर में बचे हुए 30 मैचेस भी हो जाते हैं तो भी ये प्लेयर्स नहीं आएंगे। ये प्लेयर्स हैं दोस्तों, पहले नाम बता देता हूं फिर कारण बताऊंगा। न्यूजीलैंड की तरफ से विलियमसन है, बोल्ट है और काइल जेमिसन है, टिम साइफर्ट है। साउथ अफ्रीका की तरफ से डीकॉक है, रबाडा है, नॉर्जी है, एनडीडी है और मॉरिस है। ये वो प्लेयर्स हैं जो कि उपलब्ध नहीं होंगे, ये 9 विदेशी प्लेयर्स आईपीएल के वन ऑफ द बिगेस्ट विदेशी खिलाड़ियों में से है। क्या इनके नहीं आने का कारण भी सुन लीजिए, वो है दोस्तों बायलैटरल सीरीज। न्यूजीलैंड सितंबर के एंड में पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने वाला है और जो साउथ अफ्रीका है वो नीदरलैंड्स के साथ सीरीज खेलने वाला है। तो ये दोनों क्योंकि अपने अपने इंटरनेशनल शेड्यूल में व्यस्त रहेंगे इसलिए इनके प्लेयर्स नहीं आएंगे, लेकिन खुशखबरी ये है कि वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, इंग्लैंड के प्लेयर्स, इंग्लैंड की तो भारत के साथ ही सीरीज उस समय लगभग खत्म पे होगी, तो ये प्लेयर्स उपलब्ध आईपीएल के लिए हो सकते हैं अगर मिनी आईपीएल हम सितंबर में कराते हैं। तो अच्छी खबर भी है, यहाँ से कुछ प्लेयर्स नहीं आएंगे तो बुरी खबर भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दिन भर की 9वीं बड़ी खबर की। तो दोस्तों ये जो 9वीं बड़ी खबर निकल कर आ रही है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से निकल कर आ रही है, इंग्लैंड की धरती पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है। अब इसके लिए भारतीय टीम का ऐलान हो सकता है, रिपोर्ट यह है कि 15 मई के बाद भारतीय टीम का ऐलान होगा और 1 जून को भारतीय टीम यहां से उड़ान भरेगी। दोस्तों मध्य जून में हमें वहां पर सीरीज खेलनी है और न्यूजीलैंड के साथ वो मैच होगा एक, जिसमें अगर भारत जीतती है तो भारत पहली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम बन जाएगी। तो होप फॉर द बेस्ट और हम तो यही चाहते हैं जीते, आप क्या चाहते हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और कमेंट में ये भी बताइए अपने दिमाग लगा कर कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल कौन जीत सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों 10वीं बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो एबी डिविलियर्स के हवाले से आईपीएल के फैंस, दुनिया भर के क्रिकेट फैंस में बहुत बड़ी खबर है। डिविलियर्स की साउथ अफ्रीका की T20 स्क्वाड में एंट्री लगभग पॉसिबल हो रही है और वर्ल्ड T20 के लिए वो हमें फिर से देख सकते हैं जो सितंबर में होने वाला है वर्ल्ड कप, उसमें हमें डिविलियर्स देख सकते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज है अभी तक, सो आई थिंक मैंने आप तक पहुंचा दी। ये तो थी दोस्तों दिन भर की 10 बड़ी खबरें, कमेंट बॉक्स में आप बताइए आपको कौन सी खबर अच्छी लगी कौन सी नहीं, YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है तो कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।